वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया समस्या और समाधान के बारे में। ये आपके GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, ये आपका टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, मेरा दावा है कि आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका, जितने भी ये जो हत्याकांड होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण, इन सब में आप सोशल नेटवर्किंग साइट की जो भूमिका होती है वो बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मैंने एक यहाँ पर एडिटोरियल करके एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है। यहाँ पर सारी इम्पॉर्टेंट, जितने भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये मैंने इसमें डाल रखे हैं। आप इसमें जाकर देख सकते हैं, एडिटोरियल में जाकर आप देख लीजिए। ज़रूर आपको जो भी टॉपिक लगता है, सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो, पर आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ दिन पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अफ्रीकी अमेरिकी युवक की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध का प्रदर्शन का दौर वहां पर शुरू हो गया था। यह हिंसक विरोध प्रदर्शन स्वतः परंतु सोशल मीडिया के द्वारा विनियोजित था। हमने पूर्व में अरब की सड़कों पर हुए प्रदर्शन, जिसमें कई तानाशाह सत्ता को चुनौती देने वाले प्रदर्शन हुए, मैं भी व्यापक रूप से जो सोशल मीडिया के प्रभाव को वहां पर देखा, अनुभव किया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक नई बौद्धिक दुनिया का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी नहीं होगी। दरअसल इस मंच के जरिए समाज में बदलाव की वायर लाई जाती है, लेकिन चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच में बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया, ज्यादातर फेसबुक, टिकटॉक, इन पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं जो एकदम फेक हैं। फेक न्यूज़ का चलन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। लोग, एक सर्वे के अनुसार, लोग बिना जांच पड़ताल किए ही उसको शेयर करते जाते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। ठीक है, तो इस सोशल मीडिया, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ते हैं, सोशल मीडिया व निजता के अधिकार में संतुलन और सोशल मीडिया के विनियमन पर भी यहाँ पर चर्चा हम बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सोशल मीडिया के बारे में बता दूं। अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में, ये तो मैंने बता दिया, सबसे शुरुआत में आपने जो थोड़ी सी भूमिका बनानी है कि किस तरीके से सोशल मीडिया इफेक्ट कर रही है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे सोशल मीडिया से क्या तात्पर्य है। देखिए, सामाजिक संजाल स्थल, सोशल नेटवर्किंग साइट को ही हिंदी में बोलते हैं सामाजिक संजाल स्थल। वैसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट भी अगर इसको देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो चलेगा। जो सोशल नेटवर्किंग साइट आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया में 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अपनी उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों या अजनबियों से बात में किया जाता है, उदाहरण के लिए फेसबुक, ट्विटर इत्यादि। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगिता की निजी सूचनाएं भी साझा हो जाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जहां विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बहुविधित तरीके और तकनीक निर्भरता ने सामाजिक संजाल स्थल मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट को विभिन्न प्रकार के खतरों से के प्रति भी सुभेद कर दिया है। अब हम इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए। देखिए, सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसने विश्व में संचार को एक नया आयाम दिया है। सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग है और जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा है।
वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया के साथ ही कई प्रकार के रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफी स्तर पर किया जा रहा है। कई शोधों में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांशतः लोग रोजमर्रा की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त कर लेते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, पर जरूरी नहीं है ये सूचनाएं सही हो। कई बार यहाँ पर फेक न्यूज भी वायरल हो जाती है। अब इसके नकारात्मक प्रभाव में भी ये देख सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव में क्या है, देखिए कई शोध ये बताते हैं कि सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो ये हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमें डिप्रेशन में ले जा सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है, यह फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे खासकर एक विशिष्ट समुदाय के लोग जो ये फैला रहे थे कि कोरोना गले लगने से नहीं फैलता है, हाथ लगाने से नहीं फैलता है। तब जाके सरकार को कदम उठाना पड़ा और इस तरीके के सभी वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो एक ये बहुत ही इम्पैक्ट डालता है सोशल मीडिया यहाँ पर। और कुछ ऐसे इमेच्योर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको ये सही मान लेते हैं और उसको लगातार ये फॉरवर्ड करते चले जाते हैं बिना इसके पीछे सही जानकारी लिए। सोशल मीडिया की कमी, सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है, कई बार आपका निजी डाटा चोरी होने का खतरा होता है। साइबर अपराधों जैसे हैकिंग और फिशिंग में आपको बता दूं, जैसे कि मछली के लिए दाना डालते हैं ऐसे ही फिशिंग होता है। फिशिंग में क्या होता है कि आपके ईमेल पर, आपके सोशल मीडिया किसी साइट पर एक छोटा सा एक मेल भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है बधाई हो आप 5 करोड़ जीत गए, और फिर आप उस मेल को क्लिक करते हैं, फिर वहीं से आप फंसना शुरू हो जाते हैं, इसे बोलते हैं फिशिंग। अगर आपको इस तरीके का कोई भी मेल आता है तो प्लीज आप उसमें किसी भी तरीके की अपनी कोई भी व्यक्तिगत सूचनाएं साझा ना करें, ना ही बैंक आईडी, ना ही कुछ बैंक खाता नंबर, कुछ भी वो मांगे, अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी मत करें, क्योंकि इस तरीके से कई लोग फंस जाते हैं, इसे बोलते हैं फिशिंग। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन भी बढ़ गया है। ये लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो स्लीपर सेल्स क्या होते हैं, स्लीपर सेल्स ऐसे लोग होते हैं जिनको जिनके ऊपर आतंकवादियों की नजर होती है। आतंकवादी क्या करते हैं, इन पर ध्यान रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी विशिष्ट समुदाय के प्रति एक हेट स्पीच देता है तो उन पर उनको फंसाने के लिए उनके ऊपर फिशिंग करते हैं, फिर उनको फंसाते हैं और उनको स्लीपर सेल बनाते चले जाते हैं और अपने आतंकवादी संगठन में उनको शामिल करने की भी कोशिश करते हैं। तो ज्ञात रहे कि आप अगर आप इस तरीके के कार्य करते हैं तो सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके कि किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई भी विशेषज्ञ टिप्पणी ना करें, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। अब सोशल मीडिया और भारत में सोशल मीडिया को कैसे सुबोध बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं, जो अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक इनकी जो संख्या है वो 447 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2019 में एक जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे मतलब 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ये हमारे सोचिए हमारे जिंदगी का इतना बड़ा एक समय सोशल मीडिया में जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस में उपयोगकर्ता सोशल मीडिया में सबसे अधिक है, औसतन 4 घंटे का प्रयोग करते हैं, जबकि इस आधार पर जापान में रह रहे सबसे कम जो सबसे ज्यादा एक विकसित शहर है वहां पर सिर्फ 45 मिनट ही लोग सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करते हैं। आप देखिए यहाँ पर इंडिया में टिकटॉक का कितना चलन बढ़ गया है। फिर इसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगी कि वाई वाई कॉट चाइना वर्क और वर्क नॉट। ठीक है,
तो इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के कारण भी चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे फेसबुक व्हाट्सएप पर कि वो एक धर्म विशेष को लेकर या तो एक हेट स्पीच देते हैं या फिर उसके बहुत ही ज्यादा गुणगान करते हैं। अपने धर्म का बहुत ज्यादा गुणगान किया जाता है, दूसरे धर्म को तुच्छ समझा जाता है इस तरीके के, या फिर एक किसी नेता की पार्टी को बहुत महान बना दिया जाता है दूसरे नेता की पार्टी को। यहाँ पर निम्न दिखाया जाता है, ये लोग चुनावी प्रक्रिया में इस तरीके का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मन मस्तिष्क का उपयोग करना है और आपको समझना है कि कोई चीज़ फेक हो सकती है या नहीं, कोई इसमें कितनी सच्चाई है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत वर्षों पुराने वीडियोस डाल दिए जाते हैं नई कोई किसी घटना को लेकर, ठीक है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी हथिनी की मृत्यु पर सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा था हैशटैग उसके तरीके से, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि वहां पर अनानास तो खिलाया गया था, पर वो अनानास डाला गया था सुअरों को से जंगली सुअरों से बचाने के लिए अपने खेतों को। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का लोग गलत उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लोगों द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग में आपको बताऊं तो देखिए, सोशल मीडिया में 2018-19 फेसबुक ट्विटर समेत कई साइट्स पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियां मिलने की शिकायत थी, जिनमें से 2019 में इनमें से कईयों को हटा दिया गया था। इनमें ज्यादातर सामग्री जो धार्मिक भावना और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन करती थी, ऐसी कुछ सामग्रियां थी। इस अल्पावधि में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना यह दर्शाता कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों की भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को अलग रूप से पेश करने की कोशिश होती है, बल्कि आजादी के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं के प्रसार में प्रमुख रूप से उभरते जोखिमों में से एक है। यकीनन यह न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इससे खतरा और परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अतः सोशल मीडिया देश की सरकार के लिए एक गंभीर विषय है और जिसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं, सोशल मीडिया फेक न्यूज से संबंधित कानून, इन पर हम देखते हैं और सोशल मीडिया और निजता के अधिकार पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2008 के दायरे में आते हैं, जिसमें यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानूनी प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तर्ज भी मौजूद है जो यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई सामग्री सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है या नहीं। यदि वह ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। भारत में फेक न्यूज को रोकने के लिए कोई विशेष कानून तो नहीं है, परंतु भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं। पहली संस्था कौन सी है? पहली संस्था है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यह एक नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संवाददाताओं को उस स्थिति में चेतावनी दे सकते हैं यदि यह पाया जाता है कि उन्हें पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। दूसरी एक संस्था है न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। निजी टेलीविजन समाचार और करंट अफेयर्स के प्रचारकों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसलिंग यह क्या करता है? यह टीवी ब्रॉडकास्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्जी खबरों की शिकायतों की स्वीकृति करता है और उनकी जांच करता है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया और इस पर निजता के अधिकार का मुद्दा। लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं चीजें और कहते हैं ये हमारे निजता का अधिकार है, पर कहां तक उनके निजता का अधिकार है यहां पर हम इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए,
वर्तमान परिदृश्य को डिजिटल सेवाओं के लिए एक नवीन डिजाइन तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों समावेश हों। दूसरा, इसमें बताया गया है निजता संरक्षण डेटा संरक्षण से जुड़ा विषय है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति किसी डिजिटल पहचान द्वारा इंटरनेट के माध्यम का प्रयोग करता है तो उस दौरान विभिन्न डाटा का संग्रह तैयार किया जाता है, जिसे बड़ी आसानी से उपयोगकर्ता के निजी डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। अतः डेटा संरक्षण के ढांचे के डिजाइन में महत्वपूर्ण चुनौती डिजिटलीकरण के उपयोग के से दीर्घकालिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना तथा इसके साथ ही गोपनीयता को भी बनाए रखना है। भारत में प्रभावी डेटा संरक्षण के लिए डेटा नियामकों के पदानुक्रम और एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी, जो जटिल डिजिटल सेटअप और आम सहमति के अलावा हमारे मूल अधिकारों की भी यहां पर रक्षा करेगी। इसके निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, पिछले कुछ वर्ष में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर के अध्ययन ने बताया है कि भारत में आने वाले 89% पर्यटन सोशल मीडिया के जरिए ही भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि इनमें से 18% लोग भारत आने की योजना तब बनाते हैं जब सोशल मीडिया से प्राप्त सामग्री उनके मन में भारत की अच्छी तस्वीर पेश करती है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे इस खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है तथा इसका विनियमन आवश्यकता लगातार महसूस हो रही है। अतः आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इनके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप सोशल मीडिया और इंटरनेट सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे कई हद तक आप इसे कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।